बिहार में आनंद मोहन सिंह के रिहाई होने के बाद से ही बिहार ही नहीं बल्कि यूपी की सियासत भी गरमाई हुई है। मायावती ने जहां रिहाई के ऐलान के साथ ही ट्वीट कर फैसले पर सवाल उठाए और उसे दलित विरोधी कदम करार दिया, तो वहीं बीजेपी भी बच बचाकर टिप्पणियां कर रही है। जाहिर है लोकसभा चुनाव आते आते आनंद मोहन सियासत की धुरी बन जाएंगे, क्योंकि दलितों के नाम पर वोट मांगने वालों से ये सवाल जरूर पूछेंगे कि दूसरे नेता की आखिर एक दलित अधिकारी के हत्यारे पर इतनी मेहरबानी क्यों। नीतीश का सवर्णों पर दांव, विपक्षी एकता के उखाड़ेगा पांव, आनंद मोहन के सहारे क्या दलित हो गए चुनावी सियासत से किनारे। सबसे पहले मायावती का ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट उस वक्त का है जब आनंद मोहन की रिहाई की खबरें आई। मायावती ने छूटते ही बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इस फैसले को दलित विरोधी करार दिया। जाहिर है इस ट्वीट के मायने समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बिहार की सियासत जहां दलित पिछड़ा और मुस्लिम के इर्द गिर्द ज्यादा घूमती है, वहां नीतीश कुमार का सवर्णों को साधने का दांव कितना कारगर होगा ये तो दूर की बात है। लेकिन इतना तय है कि विपक्षी एकता के फुग्गे की हवा निकालने के लिए ये कदम आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि मायावती कभी भी किसी ऐसे विपक्षी एकता के मंच पर खड़ी नहीं होंगी जिस पर उन्होंने दलित विरोधी होने का आरोप बढ़ाया है। मुश्किल आरजेडी को भी होगी, क्योंकि बिहार में छोटे बड़े की राजनीति ही आरजेडी की सियासी नींव है। जिस पर चोट हुई तो उसके लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिर सवाल उठता है कि आखिर नीतीश बाबू ने ऐसा क्यों किया। इसका एक एंगल सुशील मोदी ने दे दिया। लेकिन आपने कैबिनेट की बैठक करके और संशोधन कर दिया और आप उसको विड्रॉ कर लिया उस सेक्शन को, और एक व्यक्ति को नहीं 27 लोगों को लाभ उठाने के लिए। हम लोगों ने कभी नहीं कहा 27 लोगों को रिहा कर दिया जाए, लेकिन आपने एक व्यक्ति की आड़ में 27 अपने समर्थकों को लिस्ट उठाकर देख लीजिए उसमें कौन लोग हैं। एक व्यक्ति मुझे मालूम पड़ा, अशोक यादव लखीसराय में जो रिहा होंगे, दुर्दांत अपराधी है जिस पर वहाँ पर कुशवाहा समाज के लोगों की हत्या करने का आरोप है और बहुत सारे मुकदमे थे। आपने जिन लोगों को छोड़ा वो कौन लोग हैं। हालांकि सुशील मोदी की बातें कोरी सियासी हैं, इसका असल मतलब हम आपको समझाते हैं। बिहार की जातीय गणित पर नजर डालें तो कुछ ऐसी तस्वीर सामने आती है। बिहार की कुल आबादी में 15% कोयरी, 6.5% कुर्मी वोटर हैं। वहीं महादलित और दलित मिलाकर 16% के करीब हैं। ओबीसी वोटर्स की संख्या 24% है, सवर्ण 17% है। सवर्णों में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ शामिल है। यानी नीतीश कुमार का टारगेट है अपने कोर वोट बैंक में कुछ इजाफा करना ताकि चुनावी फायदा मिल सके। आनंद मोहन जिसका बैकग्राउंड भले ही अपराधी का है, लेकिन उसकी अपने सजातीय समाज में मजबूत पकड़ है। और जैसा कि बिहार का राजनीतिक इतिहास रहा है कि जातियों के अपने हीरो होते रहे हैं, बस इसी चेहरे का फायदा नीतीश कुमार उठाना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी है। अगर चुनाव आते आते बीजेपी और बीएसपी जैसी पार्टियां पूर्व डीएम जी कृष्णैया को दलित प्रतीक के रूप में स्थापित करने में कामयाब हो जाती हैं, तो नीतीश बाबू के लिए राह मुश्किल हो सकती है। इतना ही नहीं, आरजेडी और कांग्रेस दोनों के लिए भी तब यह असहज स्थिति होगी। ये बात और है कि फिलहाल कांग्रेस खुद को इस फैसले के साथ खड़ी है, लेकिन कब तक, इसके लिए चुनावी तारीखों के करीब आने का इंतजार करना होगा। बिहार में बहार है, चाचा भतीजे की सरकार है। जी हाँ, ये लवली आनंद आरजेडी की, उनके पति बाहुबली आनंद मोहन पूर्व सांसद रह चुके हैं, कृष्णन अय्यर के जिला अधिकारी के हत्या के मामले में अब तक जेल में थे। अब देखिए कानून कुछ इधर उधर किया जा रहा है, जिस तरह भाजपा के लोगों का चर्चा है। अब उनका कहना है कि आखिर आनंद मोहन को किस आधार पर बाहर निकाला जा रहा है। चाचा भतीजे के सरकार बनते ही अब बाहुबलियों को बाहर निकलने का मौका मिल गया, क्योंकि आरजेडी में जितने भी दबंग और बाहुबली विधायक जेल में बंद हुआ करते थे, वो क्यों पूर्व हैं या वर्तमान हैं या सांसद हैं, पूर्व हो या वर्तमान हो, उन्हें निकालने का काम अब इस महागठबंधन के सरकार में जोरों पर चल रहा है। कुल मिलाकर आनंद मोहन की रिहाई का मसला बिहार में जितना असर डालने वाला है, यूपी के लिए भी ये कम जरूरी नहीं, क्योंकि सियासत का मिजाज दोनों प्रदेशों में लगभग एक जैसा है।
जातीय ध्रुवीकरण के मामले में बिहार यूपी से ज्यादा सेंसिटिव प्रदेश है। ऐसे में देखना होगा आनंद मोहन का चेहरा सिर्फ जातीय ध्रुवीकरण की वजह बनता है या फिर जंगल राज के दौर की वापसी का मुद्दा। अब बिहार की राजनीति अब कुछ अलग ही रुतवा और नजर देखने को मिलेगा। हालांकि चर्चा हर जिले में चल रहा है, आनंद मोहन को निकालने को लेकर बहुत से लोग काफी खुश भी हैं, तो उनके समर्थक जहां खुश दिख रहे हैं वहीं उनके विपक्षी नाराज दिख रहे हैं। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह, पटना। पूरे भारत में बिहार एकमात्र राज्य है जहां विकास का मुद्दा अक्सर बाहुबलियों और जातिगत रॉबिनहुड छवि के नेताओं के आगे फीका पड़ जाता है। फिर वो चाहे बाहुबली अनंत सिंह हो या सूरज भान या राधा रामा सिंह, ऐसे बाहुबलियों का अपना एक खास आभा मंडल रहा है जिसने उनके सजातीय समाज के साथ ही सियासत पर भी गहरा असर छोड़ा है। ऐसी फेरिस्त में आनंद मोहन का नाम भी शामिल है जिनके रसूख की कहानी जानना यहां जरूरी है। आनंद मोहन सिंह एक ऐसा नाम जिसके खौफ की कहानियां एक जमाने में बिहार के बच्चे बच्चे को याद थी। अमूमन बिहार की सियासत में पहले बंदूक उठाने और फिर सियासत का सफर तय करने की परंपरा रही है, लेकिन आनंद मोहन की जिंदगी इससे उलट रही। उसने पहले सियासत का रास्ता चुना और फिर बाद में जरायम का बादशाह बन गया। स्वतंत्रता सेनानी परिवार में आनंद मोहन का जन्म हुआ। सहरसा जिले के पचगचिया गांव के राजपूत परिवार से ताल्लुक रखने वाले आनंद मोहन ने जेपी आंदोलन से सियासी सफर शुरू किया। आंदोलन का खुमार ऐसा चढ़ा कि पढ़ाई छोड़ दी और इमरजेंसी के दौरान 2 साल की जेल भी काटी। उस दौर के प्रखर समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर को आनंद मोहन ने अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। हालांकि बाद में बिहार के सियासी मिजाज को समझकर राजपूत समुदाय का खुद को नेता बताना शुरू कर दिया। आनंद मोहन सुर्खियों में तब आया जब उसने 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को काले झंडे दिखाए। एक साल बाद ही कोसी क्षेत्र में यादों के खिलाफ मोर्चा खोलकर लाइमलाइट में आ गया, जिसमें उसके ऊपर पहला मुकदमा दर्ज हुआ। आनंद मोहन ने जातिगत राजनीति की जो बिसात बिछानी शुरू की थी उसको आगे बढ़ाने के लिए उसने 1980 में समाजवादी क्रांति सेना का गठन किया, जिसका मकसद था निचली जातियों के विकास का विरोध करना। इसी दौरान राजेश रंजन और पप्पू यादव से कई बार उसकी अदावत सामने आई। कहा जाता है कोसी इलाके में उस दौर में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए थे। 1990 में लालू यादव के सीएम बनने के साथ ही आनंद मोहन के बुरे दिन शुरू हो गए। मंडल कमीशन के विरोध करने के चलते लालू ने आनंद मोहन पर दर्जनों मुकदमे ला दिए, जिसके बाद आनंद मोहन ने सरेंडर किया और जनता दल के टिकट पर महिषी विधानसभा से जीत दर्ज की। ये बड़ी दिलचस्प बात थी कि जिस लालू यादव ने आनंद मोहन को जेल भेजा था वो उन्हीं की पार्टी से विधायक बन गया। लेकिन ये गठजोड़ लंबा नहीं चला। मंडल कमीशन का समर्थन करने की वजह से आनंद मोहन जल्दी ही जनता दल से अलग हो गया। आनंद मोहन ने 1993 में बिहार पीपुल्स पार्टी नाम से नई पार्टी बनाई और बड़ा उलटफेर करते हुए 1994 में वैशाली सीट पर हुए उपचुनाव में अपनी पत्नी लवली सिंह को सांसद बना दिया। इस जीत के बाद कुर्मी समुदाय भी आनंद मोहन से जुड़ गया था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि 1995 के दौर में वो लालू के सामने मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर उभरने लगा था। लोकप्रियता का आलम यह था कि आनंद मोहन की पार्टी ने नीतीश की पार्टी से भी 1995 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। आनंद मोहन के सियासी जीवन का यह सबसे सुनहरा दौर था। हालांकि उसने अपनी पार्टी का विलय समता पार्टी में कर दिया था, लेकिन वर्चस्व कम नहीं था। साल 1996 में आनंद मोहन ने जेल में रहते हुए शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1998 में इसी सीट से दोबारा सांसद बन गया, लेकिन इस बार बैनर था आरजेडी का। 1999 में आनंद मोहन बीजेपी में शामिल हुआ, लेकिन आरजेडी के अनवारुल हक से चुनाव हार गया। बाद में कांग्रेस में भी कुछ वक्त तक आनंद मोहन शामिल रहा, लेकिन कांग्रेस ने उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इसी दौरान आनंद मोहन के गुनाहों का भांडा फूटा और हत्या के एक मामले में निचली कोर्ट ने उसे सजाए मौत दे दी। आजाद भारत में किसी नेता को मौत की सजा देने का ये पहला मामला था। बाद में 2008 में पटना हाईकोर्ट ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, जिस फैसले को 2012 में
सुप्रीम कोर्ट ने भी कायम रखा। मामला था गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या का, जिनकी 1994 में हत्या कर दी गई थी। दरअसल 4 दिसंबर 1994 को आनंद मोहन के साथी छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। शुक्ला की अंतिम यात्रा में भीड़ काफी उन्माद में थी। इस भीड़ ने आईएएस अधिकारी और गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जीएम कृष्णैया को गाड़ी से निकालकर पीटा और बाद में गोली मार दी। भीड़ को उकसाने का आरोप आनंद मोहन पर लगा, जो बाद में साबित भी हुआ। इसी केस में लगातार आनंद मोहन जेल में है। रिपोर्टों की माने तो आनंद मोहन का नाम बहुत सारे केसों में था, लेकिन वो केस या तो राजनीतिक पहल की वजह से हट गए या आनंद मोहन सबूतों के अभाव में बरी हो गया। ये और बात है कि लगातार 1.5 दशक तक जेल में रहने के बाद भी उसका सियासी रसूख कम नहीं हुआ। जेल में रहते उसने अपनी पत्नी को 2010 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ाया, तो 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़वाया। जाहिर है आनंद मोहन का अपने समाज में सियासी रसूख शायद अभी तक कायम है, इसीलिए नीतीश कुमार आनंद मोहन के सहारे सवर्ण कार्ड खेलने की कोशिश में है। नीतीश कुमार कितने लालायित हैं इस बात से समझा जा सकता है। नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल को बिहार जेल मैनुअल की धारा 484 उपधारा 1 में बदलाव कर दिया। इसके मुताबिक ये धारा बताती है कि समय से पहले किस कैदी की रिहाई नहीं हो सकती, लेकिन नीतीश कुमार ने ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी की हत्या वाली धारा हटा दी, जिसके बाद आनंद मोहन के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। एक तरफ जहां आतिक अहमद की यूपी में हत्या होती है उसे अपराधी गैंगस्टर जैसा बताया जाता है, और यहां जो जिला अधिकारी की हत्या करता हो उसे स्वतंत्र निकलने का घूमने का बिहार में मौका दिया जा रहा है। मैं बताता चलूं कि जिस प्रकार बिहार में अब तक अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने का जो काम चल रहा है इस राजनेताओं के बीच, ये इससे कुछ आईएएस भी अब नाराज दिख रहे हैं। देखिए, एक आईएएस की अलग लॉबी होती है, इस लॉबी में बिहार के जितने भी आईएएस हैं वो मन ही मन इस सरकार में अब सरकार को भी दोषी ठहरा रहे हैं। खैर, नीतीश कुमार को जो करना था वो कर गए, लेकिन इसका सियासी फायदा उन्हें कितना मिलेगा इस बात पर सवाल अभी कायम है, क्योंकि नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक अगर इस फैसले से प्रभावित हुआ तो नीतीश का हश्र वही होगा कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। विपक्ष की बात सुने या फिर उनके महागठबंधन में जो साथ में कुछ ऐसे भी पार्टी के लोग हैं कांग्रेस के, जिन्होंने ऑन कैमरा तो बोलना उचित नहीं समझा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय के लिए लालू और नीतीश की जो बीच में दोस्ती है ये खटक कहीं ना कहीं जरूर पैदा करेगी, क्योंकि अब अपराधी संरक्षण बिहार में लेने लगे हैं। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह पटना। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।